draw a pair of tangents to circle of radius 5 and which are inclined to the each other and 60. ये देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट कंसाइक्लिक ट्राइंगल्स के एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ये सर्कल आपने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लिया। अब ऐसी टेंजेंट्स चाहिए जहाँ पर मैं जो किस्में हों और जो किस्में आए 60 पे आए जिनके बीच के एंगल। तो ध्यान से समझिए होता क्या है कि अगर मेरे पास ये सेंटर है और ये टेंजेंट्स हैं तो ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, तो ये कंसाइक्लिक ट्रायंगल बनता है। एक ऐसा सर्कल जरूर एग्जिस्ट करता है, इसका डायमीटर क्या हो, एंड पॉइंट्स ये दोनों पॉइंट हो, डायमीटर एंड पॉइंट्स ऐसे हो। तो अगर ये 60 एंगल है तो ये जो सेंटर पे एंगल आएगा वो ये कितना आएगा, 120 आएगा। ये कंसेप्ट क्या है, इस प्रॉब्लम को तुरंत ही क्रैक कर देगा। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे जाऊँगा, सर्कल बना लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक पॉइंट में यहाँ पर डिसाइड करूँगा, ये टेंजेंट बना दूंगा, सही है, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और ये सेंटर पे फोकस करूंगा। अब सेंटर वाला जो पॉइंट आ गया इस पे मैं क्या करूंगा, 120 का एंगल बनाऊंगा। तो जब ये 120 का एंगल बनेगा उस जो पॉइंट आएगा मेरे पास, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट आएगा ये कितना बनाएगा, 60 एंगल बनाएगा, क्योंकि ये 90 ये 90 और ये कौन सा क्लिक क्वाड्रेटर बनता है। तो ये मेरे पास एक तरीका रहेगा, सबसे पहले पॉइंट यहाँ से ये सेंटर को ज्वाइन करूंगा, सेंटर से यहाँ से मैं 120 का एंगल बनाऊंगा और जो ये पॉइंट आएगा इसको टेंजेंट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो जहां पर जाके कट करेगा वो पॉइंट पी आए। ओके, लेकिन ये मैंने जल्दी में ये तरीका बता दिया, लेकिन प्रोसीजर एंड लॉजिक काफी काम का है। तो सिंपल है, सबसे पहले सर्किल बन गया, टेक अ क्यू पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड ज्वाइन इट टू ओ क्यू, ठीक है, draw perpendicular to QP at Q, okay, and another thing 120 with OQ, ये बना है यहाँ पे angle, draw perpendicular to PR at the point R, ये point आया जहाँ पे perpendicular draw किया and ये जहाँ पे cut किया वो P। ये मेरे पास key steps हैं जो कि मुझे represent भी करने चाहिए और ये जो answer आया वो correct है, logic भी लिखना चाहिए। ध्यान से देखिए 60 कैसे आएगा, by construction ये 90 ये 90 ये 120, तो आप ऐसे भी मान सकते हैं ये 90 ये 90 और ये 60 है तो ये 120 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात ही नहीं कह रहा मैं, क्वाड्रिलेटरल की भी अगर मैं बात कहता हूं तो अगर ये 90 है ये 90 है ये 60 है तो ये 120 होगा। ओके, तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं भी मालूम है तो भी मैं कह सकता हूं ये 90 है ये 90 है ये 60 है तो ये 120 होगा। दैट्स व्हाई आई कैन, ये जो तरीका है वो एकदम करेक्ट है। ओके, तो ये तरीका समझ में आ गया होगा और मुझे लगता है कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी।